हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है अबाउट गोल्ड स्टोन्स तो गोल्ड स्टोन के के बारे में साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में और मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे तो हम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं दीज आर आर द द नोड्यूल्स ऑफ बाइल गोल ब्लैडर एंड रेयरली इन बिलियरी पैसेज है ना तो ये स्टोनी नोड्यूल्स होते हैं जो कि बाइल के बने होते हैं जो कि गोल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं या फिर बिलियरी सिस्टम के दूसरे पार्ट्स में पाए जाते हैं है ना नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बिलियरी सिस्टम है ना तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ द बिलियरी सिस्टम ये ऊपर लिवर है लिवर के अंडर सरफेस पे एक पियर शेप का छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर लिवर का काम होता है बाइल को सिंथेसाइज करना बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि फैट डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिवर से बाइल आकर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में है ना तो गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना टेम्परेली जब भी हम फैटी फूड खाते हैं यह गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइल को रिलीज करता है इन टू द डक्ट है ना तो लिवर से राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती हैं ये कंबाइन करके बनाती हैं हेपेटिक डक्ट जो कि आगे जाके गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं इससे यूनाइट होती है एंड दिस सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके जब यूनाइट होती हैं तो ये बनाती है कॉमन बाइल डक्ट है ना अब ये कॉमन बाइल डक्ट में पैंक्रियाज अपने सिक्रिशंस को एड करते हैं थ्रू द द पैंक्रियाटिक डक्ट डक्ट एंड दिस ओपन इन पार्ट ऑफ है ना तो जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं तो गॉल ब्लैडर हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज्यादा से ज्यादा क्वानिटी में इट पोर्स दाइल इन टू द ड्योडनम है ना दैट इज द प्रोसीजियर ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है गोल्सटोन का मतलब है जब बाइल का इसके अंदर किसी वजह से प्रेसिपिटेशन होने लगे तो देयर अकार फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर जिनको हम बोलते हैं गॉल स्टोन्स है ना तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसका जो रिस्क फैक्टर है यानी कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिसमें कि गॉल स्टोन्स के ज्यादा चांसेस होते हैं तो यहाँ पर एक नमोनेक है दैट इज फोर एफ है ना फोर एफ से हम इसको याद कर सकते हैं फैटी फर्टाइल फीमेल ऑफ फोर्टी फैटी फर्टाइल फीमेल ऑफ फोर्टी यानी कि वो फीमेल्स जो कि फैटी हैं ओबीज हैं फर्टाइल है, है, है यानी कि उनकी जो एज है इट इज़ इन द फर्टिलिटी पीरियड फीमेल ऑफ फोर्टी है ना फोर्टी ईयर्स यानी कि मिडिल एजेड वुमेन उन हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स ठीक है अब थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं ये जो बाइल है विच इज़ फॉर्म्ड इन द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लडर है ना इसके कॉन्स्टिटेंट्स क्या होते हैं क्योंकि तभी हमको आगे का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा है ना तो जो बाइल है बाइल के अंदर मेनली इट कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स बाइल एसिड्स बाइल पिगमेंट्स कोलेस्ट्रॉल ये ज़्यादा मात्रा में होता है और थोड़ा बहुत इसके अंदर फॉस्फलपेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं ना लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर द बाइल बाइल एसिड्स बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल ठीक है नाउ लेट इस स्टडी वॉट आर ऑफ़ गॉल स्टोन तो गॉल स्टोन का पहला कारण है इंक्रीज इन लेवल ऑफ अगर बिल्यूरुबिन का लेवल बढ़ जाता है बिल्यूरुबिन इज अ पिगमेंट है ना तो अगर बिल्यूरुबिन का लेवल बढ़ जाता है जैसा कि जॉन्डिस में हो सकता है सिरोसिस में हो सकता है इन्फेक्शन के अंदर हो सकता है तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गोल स्टोन सेकेंड इज इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाए जो कि मोटापे में ओबिसिटी में हो सकता है फैटी फूड का ज़्यादा लेना ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है थर्ड इज़ गॉल ब्लैडर हाइपोमोटिलिटी हाइपोमोटिलिटी मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट हाइपोमोटिलिटी का मतलब है लेस मूवमेंट है ना तो अगर ये गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता तो बाइल इसके अंदर क्या होगा देर विलेशन ऑफ द बाइल बाइल की प्रॉपर एमटिंग नहीं हो पाएगी देर विल बी ऑफ बाइल एंड देर बी प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूट्स सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ गॉल स्टोन्स देन फोर्थ इज इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड सिस्टिक डक्ट है ना तो अगर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो गया ठीक है स्वेलिंग हो गई इन्फेक्शन हो गया और अगर सिस्टिक डक्ट भी इन्वॉल्व है तो वो भी एक कारण हो सकता है गॉल स्टोन्स का देन फिफ्थ कॉज इज ड्रग्स एंड सिक्स इज हेरिडिटी हेरिडिटी भी एक वन ऑफ द कॉजेज है गॉल स्टोन्स के है ना तो अब हम थोड़ा सा पैथोफिजोलॉजी को डिस्कस करें इसकी तो जो पैथोफिजोलॉजी है दैट इज डिक्रीज बाइल एसिड सिंथिस अगर किसी भी वजह से बाइल एसिड का कॉज इज अनोन बाइल एसिड का जो सिंथिस है ये कम हो जाए तो देर इज इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर है ना लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि जो बाइल एसिड्स हैं दे आर एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कैटाबॉलिक है ना कोलेस्ट्रॉल uh, का ये कैटाबॉलिज्म करते हैं कोलेस्ट्रॉल को ये तोड़ने का काम करते हैं तो अगर बाइल एसिड कम होंगे तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल का लेवल लिवर के अंदर बढ़ता जाएगा और जब कोलेस्ट्रॉल का अंदर लिवर में बढ़ेगा ठीक है तो ऑब्वियसली बात है लिवर में अगर बढ़ेगा तो वो आगे जाके गॉल ब्लैडर में भी Uh, जो बाइल है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ही रहेगा सो देर इज सुपर सेचुरेशन ऑफ द बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बाइल है इस बाइल के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ये बढ़ता चला जाएगा है ना और जब ये बढ़ता चले जाएगा तो क्या होगा देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स प्रेसिपिटेशन होगा एंड इट विल रिजल्ट इन गॉल स्टोन्स है ना तो ये कॉलिलिथियासिस कॉज करेगा और आगे जाके ये इन्फ्लेमेशन भी कर सकता है इंफ्लेमेटरी चेंजेस भी कर सकता है जिसको हम बोलते हैं जहां पे जहां आइटिस बढ़ लग जाता है उसका मतलब होता है स्टडी द टाइप्स ऑफ गोल स्टोन्स तो गोल स्टोन्स तीन टाइप के होते हैं वन इज प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन सेकेंड इज प्योर पिगमेंट स्टोन एंड द थर्ड इज मिक्सड स्टोन प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन 10 परसेंट के करीब होते हैं प्योर पिगमेंट स्टोन भी 10 परसेंट के करीब होते हैं और जो कॉमनेस्ट है दैट इज द मिक्स्ड स्टोन विच इज अबाउट 80 परसेंट है ना अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा इसमें प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल यह कोलेस्ट्रॉल का बना होता है प्योर पिगमेंट स्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम बिलिरुबिनेट है ना तो इसके अंदर बिलिरुबिन के माध्यम यानी कि बिलिरुबिन का जो वो है कंटेंट ये ज़्यादा पाया जाता है और जो तीसरा है दैट इज द मिक्सड स्टोन जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिलिरुबिन एज वेल एज जो बाकी बाकी जो कॉन्स्टिटुंट्स हैं बाइल के ये भी इसके अंदर होते हैं है ना तो इन तीनों स्टोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स हैं फटाफट हम इसको देख लेते हैं प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन इट इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल लाइट येलो ग्रीन कलर के होते हैं ये ओवल होता है ज्यादातर इनका शेप लार्ज होते हैं एंड दे आर यूज़ुअली सिंगल है ना यानी कि ये जो स्टोन है आपको एक सिंगल स्टोन आपको गॉल ब्लैडर के अंदर देखने को जनरली मिलेगा प्योर पिगमेंट स्टोन को अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया इसके अंदर बाइल पिगमेंट के बने होते हैं ये कैल्शियम बिली है ना तो ये जेड ब्लैक कलर के होते हैं और इनका जो कलर है ब्राउन भी हो सकता है और ये एक नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल ये मल्टीपल मिलेंगे है ना इट इज नॉट सिंगल दे आर मल्टीपल लाइक राइस ग्रीन है ना जैसा कि चावल का दाना होता है लेकिन चावल का दाना सफेद होता है उसी को अगर हम काला कर लेंगे तो ये हो गए हमारे प्योर पिगमेंट स्टोन्स तीसरा हो गया मिक्सड स्टोन्स आर मोस्ट कॉमन दे आर यूजली मल्टीपल तो यह भी मल्टीपल होते हैं पिगमेंट स्टोन जैसे और ये कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट और अदर सब्सटेंसेज से बने होते हैं नेक्स्ट वे कम टू साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ गोल स्टोन्स तो अगर ये स्टोन्स गोल ब्लैडर के अंदर होते हैं इन द गोल ब्लेडर दैन दे आर यूजली इज सिम्टोमेटिक दैट मीन्स दे कॉजेज नो साइंस एंड सिम्टम्स है ना तो पेशेंट को पता भी नहीं होता वो इन स्टोन्स को सालों साल कैरी करता है क्योंकि धीरे धीरे करके प्रेसिपिटेशन होता रहता है स्टोन्स बनते रहते हैं लेकिन क्योंकि साइंस सिम्टम्स नहीं होते तो पेशेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट स्टोन्स बाय चांस पेशेंट किसी और वजह से हॉस्पिटल जाता है सोनोग्राफी so करवाता है और उसमें पता पड़ता है कि ही इज कैरिंग दीज स्टोन्स है ना लेकिन अगर स्टोन सिस्टिक डक्ट में है दैट मीन्स मान लीजिए कि स्टोन अगर आकर यहाँ पर लॉज हो जाए इन द सिस्टिक डक्ट तो अब ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगता है और जो पहला सिम्टम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द गॉल इज इंटरमिटेंट कॉलिकी पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट है ना तो ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट में देर इज इंटरमिटेंट कॉलिकी पेन कॉलिकी पेन होता है इंटरमिटेंट होता है इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर होता है लगातार नहीं होता है एंड इट इंक्रीजेज आफ्टर फैटी फूड जैसे ही पेशेंट कोई फैटी खाना तला हुआ भोजन लेता है तो पेन ये स्टार्ट हो जाता है क्योंकि गोल्फ ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है और यहाँ पर देर इज़ स्टोन है ना तो इसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है लगभग ये थर्टी मिनट से लेकर एट आवर्स तक पेन रहता है इट इज़ एसोसिएटेड विद नोजिया वॉमिटिंग एंड डाइजेशन है ना तो नोजिया वोमिटिंग एंड डाइजेशन ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं एंड द पेन रेडिएट ट्रू द राइट स्कैपूला है ना तो पेन जो है ठीक है, जो कि में भी ये, आ, extend करता है अब अगर स्टोन बाइल डेगा पर बाइल डक तो यहां पर अगर स्टोन है तो इट रिजल्ट इन वेरी सिवियर कॉम्प्लीकेशन जैसे कि पहला कॉम्प्लीकेशन है एक्यूट कॉलिस का मतलब हो गया इनफ्लोमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर है ना तो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो सकता है एक्यूट कॉलेंजाइटिस दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ द बाइल डक्ट है ना ये जो बाइल डक्ट है इसका इन्फेक्शन हो सकता है और अगर बाइल डक्ट इन्वॉल्व होती है इसका इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे अगेन कुछ साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें से तीन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फीवर राइट अपोकोड पेन एंड जॉन्डिस तो ये जो तीनों सिम्टम्स हैं इनको हम ट्रायड नाम से जानते हैं चारकोट ट्रायड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन uh, है ठीक है पूछा जाता है तो चारकोट ट्रायड के अंदर देर आर थ्री सिम्टम्स वन इज द राइट अपर क्वाड्रेंट पेन सेकेंड इज द फीवर एंड थर्ड इज द जॉन्डिस है ना तो दीज आर बिकॉज ऑफ द कॉलेंटिस दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ द बाइल टक्ट अब पैंक्रियाज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं तो पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो हो गई होगा क्योंकि यहाँ पे बाइल डक्ट में स्टोन है तो ये जो बाइल है जो कि लिवर से आना चाहिए ये लिवर से नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन ठीक है अब अगर हम साइंस देखें तो साइंस में देर इज़ मर्फी साइन मर्फी साइन से हम इसको कुछ हद हाँ तक डायग्नोस कर सकते हैं मर्फी साइन क्या होता है पेन ऑन डीप इंस्पिरेशन वायर एग्जामिनर हैंड इज़ प्रेस्ड बिलो द राइट कॉस्टल मार्जिन है ना जो एग्जामिनर है वो अपने हाथ को राइट कॉस्टल मार्जिन पे प्लेस करता है और पेशेंट को बोलते हैं कि डीप ब्रेथ ले है ना तो जब पेशेंट डीप इंस्पायर करता है तो देर इज़ पेन पेशेंट को पेन फील होता है ऑन डीप इंस्पिरेशन नाउ लेटे स्टडी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ गॉल्सटोन्स तो जो पहला इन्वेस्टिगेशन है दैट इज द एल एफ टी लेक्शन टेस्ट है ना तो so, हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं इसमें बिल्यूरिबिन का लेवल बड़ा हुआ मिलता है एल्काइन फॉस्फेट का लेवल भी बड़ा हुआ मिलता है क्योंकि ज्यादातर दी स्टोन्स आर एसोसिएटेड विद द ऑब्स्ट्रक्टिव चौडेज सेकेंड इज द यू एस जी एप्टोम दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी है ना तो ये एक मोस्ट सेंसिटिव इमेजिंग टेस्ट होता है तो अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं तो रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं देर आर देर आर स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर या फिर सिस्टिक डक्ट में स्टोन मिल जाएगा या फिर सीबीडी के अंदर स्टोन मिल जाएगा है ना कभी कभी हमको इन्फ्लमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है पैंक्रियाज का इन्फ्लोमेशन हो सकता है ये जो डक्ट है सी ये भी डायलेटेड हो सकती है ठीक है तो स्टोन इन गॉल ब्लैडर एंड डक्ट मिलेगा एक्यूट एक्यूट पैंक्राटाइटिस ये सारी चीज़ें यूजी के जो रिपोर्ट्स हैं उसमें देखने को मिलेंगी देन द थर्ड इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी दैट इज एम आर सी पी ये हम तब इंडिकेट करते हैं जब हमको सोनोग्राफी के अंदर स्टोन ना डिटेक्ट हो लेकिन बिल्योबिन का लेवल बड़ा हुआ मिले एंड देर इज डक्ट डायलेशन ये जो डक्ट है इसके अंदर डायलेशन मिले है ना तो उस केस में हम फिर एम का को एडवाइस करते हैं फोर्थ इज एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजपैक्रियाटोग्राफी दैट इज ई है ना तो जो ई है एक तरीके से यह डायग्नोसिस भी करता है स्टोन का एंड एट द सेम टाइम ये ट्रीटमेंट भी करता है, है ना तो ये एक ऐसा टेस्ट है इस टेस्ट के माध्यम से हम जो स्टोन्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द बाइल डक्ट उनको रिमूव भी कर सकते हैं एंड द फिफ्थ इज दी टी स्कैन विच इज नॉट मच यूजफुल इन केस ऑफ गॉल ब्लडर एंड बिलियरी सिस्टम कम टू द मैनेजमेंट पार्ट तो अगर हम मैनेजमेंट देखें अगर स्टोन्स एसिम्टोमेटिक है कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करते इन दैट केस वी फॉलो द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेकिन अगर स्टोन्स कॉम्प्लीकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं सिम्टोमेटिक है तो फिर इन दैट केस वी फॉलो कॉलेज दैट इज रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर है ना हम स्टोन के साथ में गॉल ब्लैडर को भी रिमूव करते हैं जिसके दो तरीके होते हैं एक होता है ओपन सर्जरी जिसमें कि राइट राइट सबकॉस्टल इंसिजन दिया जाता है दूसरा होता है लेप्रोस्कोपिक मेथड जो कि आजकल प्रेफरेबल है है ना एक लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डाला जाता है थ्रू अ स्मॉल होल एंड देन दॉल ब्लैडर इज़ रिमूवड इस केस में कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं और रिकवरी है वो फास्ट होती है ना अगर कॉम्प्लीकेशन हैं और सिम्टम्स हैं तो ये जो स्टोन्स हैं दे कैन लीड टू गोल ब्लैडर कारसिनोमा है ना तो इंडिकेटेड होता है कि सर्जरी के माध्यम से गोल ब्लैडर को रिमूव किया जाए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि अगर हम गोल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं तो क्या पेशेंट एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है ऑफकोर्स येस yes, है ना गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके रिमूव करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि गॉल ब्लैडर का काम क्या कर आ, क्या होता है ये बाइल को स्टोर करता है है ना तो बस यहाँ पर अगर हमने इस ऑर्गन को रिमूव कर दिया तो ये स्टोर नहीं होगा यहाँ पर फिफ्टी परसेंट ऑफ द बाइल तो ऑलरेडी सी बी डी के माध्यम से जुड़नम के अंदर आ रहा है फिफ्टी परसेंट गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो डुडनम के अंदर आता है ना तो इन एनी वे बाइल इतना होता है कि वो uh, जो डाइजेशन है उसमें वो हेल्प कर पाए तो रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर डज नॉट कॉज मच डिफरेंस तो अगर पेशेंट थोड़े से प्रिकॉशन रखे ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाए, अवॉइड करें सिंपल फूड ले तो पेशेंट बिल्कुल एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकता है इन ऑफ कॉलिसटेक्टमी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग